वो अपना सा। आदि, ब्लैक कॉफी जस्ट द वे यू लाइक इट। नो थैंक्स, मैं बहुत जल्दी में। डॉक्टर आने वाले हैं ना, वो आ रहे हैं मेरा चेकअप करने के लिए और तुम जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। निशा, इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है नहीं। अगर इम्पोर्टेंट होती तो क्यों छोड़ के जाते? क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में अपॉइंटमेंट मिस हो। मैं डॉक्टर भाटिया को खुद होटल से पिक करने जा रहा हूँ। आंटी बाय। अगर आदि डॉक्टर को लेने गया तो ना मेरा प्लान रहेगा ना आदि। गॉड, हे भगवान, आज आदि जिस मकसद से गए प्लीज उसे पूरा कर देना। जो हुआ है ना, ये सब मेरे लिए प्लान। ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया कि इसके पीछे कौन। लेकिन उसकी चाल समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना होगा। निशा, अब जो भी चाल चलेगी और उसमें सक्सेसफुल होगी तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी और वही उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और फिर लापरवाही में वो कुछ तो गलती करेगी। बस तब तक हमें निशा को गलती करने से रोकना नहीं है, बल्कि जब वो गलती करेगी तब उसे रंगे हाथों पकड़ना है। आप तो लकी चांस निकली मेरी। आप आई और मेरी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। कितनी अच्छी स्माइल आ गई तुम्हारे चेहरे पे। यू नो, मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही स्माइल जानवी के चेहरे पे भी आए, पर मुझे पक्का यकीन है कि उसकी लाइफ में कोई तो प्रिंस चार्मिंग आएगा। बस इसी तरह जानवी की खुशियों के बारे में सोचते रहो, ये जाने बिना कि तुम उसकी नहीं मेरी खुशियां मुझे वापस लौटा रहे हो। सब ठीक? हाँ भाभी, एक जरूरी मीटिंग थी आज, लेकिन सुबह जो भी हुआ उसकी वजह से जा नहीं पाया मैं। मेरी टीम तो है वहाँ पे, लेकिन मेरा होना बहुत जरूरी था। I don't know क्या हुआ होगा वहाँ पे। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। I hope so. Hello, all okay? उन्होंने कोटेशन एक्सेप्ट किया हमारी। That's great news. वाह भाभी, आप तो लकी चार्म निकली मेरी। देखिए, आप आई और मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। Congratulations, I'm so happy. मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी ठीक हो गया। कितनी अच्छी स्माइल आ गई तुम्हारे चेहरे पे। You know, मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही स्माइल जानवी के चेहरे पे भी आए। I know. I hope जानवी पे और मुसीबत ना आए बस। पर आज आपने जो भी किया ना, वो आग से जल जी आप। वाकई में बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। जानवी हमारी फैमिली का हिस्सा है और फैमिली के लिए जितना भी करो कम होता है ना समर। बस इसीलिए मैंने सोचा नहीं और जो दिमाग में सबसे पहले आया वो किया। जानवी के बारे में सोचती हूँ, उसके साथ जो कुछ हुआ है, चीनी बीनी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। अरे मुझे हो तो नतुल्लाल जैसे। क्या सूट करती है आप पे मालूम है? क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें पता है मेरी मूंछे कब आती है? जब मैं लस्सी पीती हूँ। सच्ची? सॉरी बाय। अबे मुझे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चीनी भी नहीं तुम्हारा वेट कर रहे, उनको एंटरटेन नहीं करोगे? भाभी आई रियली विश, बट अभी मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक मुझे रेस्ट करना चाहिए। हां बाय। अगर काकी मां ने जानवी को ऐसे देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। जानवी आई ओके? तुम्हें कुछ चाहिए? चले यहाँ से। बेशर्म की हद आप पार कर रहे हो, और बदतमीजी मैं कर रहा हूं। ये क्या है सब? ये कैंडल्स हो ये सब?
क्यों आई थी मेरे रूम में आप? चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्यों आई थी आप? क्या ये भी पर्सनल सवाल होगा आपके लिए? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके कमरे में क्यों आऊंगी? अच्छा, एक मिनट, ये आपकी इयररिंग मेरे रूम में थी, और वो जो बिंदी अभी सैंडल लेके गई थी वो भी मेरे रूम में थी। यकीन नहीं होता मुझे, जितना बोला चेहरा उतनी जला कर करते। बहुत इज्जत करता था मैं आपकी, सोचता था कि आपकी वैल्यूज आपके उसूलों से जुड़ी हुई है, लेकिन नहीं। पर आप तो वाकई बहुत आजाद ख्याल वाले निकले। सोच भी नहीं सकता था मैं जिस औरत के बारे में इतनी अच्छी राय बनाई थी मैंने, जो अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक रखती थी, वो इससे भी। ये क्या कर दिया आपने मिस चांदनी? एक बात याद रखिए, आप इस घर में गेस्ट हैं, लेकिन मेरा इस घर से बचपन का रिश्ता है। कायदे संस्कार ये सिर्फ आपके लिए वर्ड्स हैं और कुछ नहीं। आपने बच्चों को तो सिखाती है, लेकिन आप खुद नहीं अपनाती। अगर आप मैं जरा सी भी गैरत होती ना, तो आधी रात गए मेरे कमरे में नहीं आती। How dare you? मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई कैसे? मुझे बेगैरत और बेशरम कह रहे, लेकिन आपकी सोच वो घटिया है। बिना मुझसे पूछे बिना जाने कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपके कमरे में आई? नहीं आई मैं आपके कमरे में। ये इयररिंग ये सैंडल यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। बात छिपाई, हमारा प्यार इतना कमजोर पड़ गया कि तुम्हें मुझसे चीजें छुपानी पड़ रही। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो आदमी तुम पर इल्जाम लगा रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, तुम कह रही हो इतनी बड़ी बात नहीं थी। तुम पे कोई उंगली उठाए मैं चुप रहूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे प्यार के काबिल नहीं है आपकी प्यारी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में ना वो लफंगा आ जाए था। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। कल मेरी एंगेजमेंट है, और उसके लिए मुझे आपका कुमकुम भाग्य हॉल बुक करना। किसी और मैरिज हॉल में गया था, लेकिन वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई देता नहीं है ना, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली ये 60,000 रुपये और मुझे 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। रोको ये शादी, रोको ये। आलिया जी, मुझे ये थोड़ा साफ करना था, बाथरूम ढूंढ रही थी, कौन सा यूज करूं? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? ये क्या कर रही है आलिया? शिकार खुद तेरे पास आ रहा है और तू उसे भगा रही है? अच्छा मौका है, अपने जाल में फंसा ले और ले ले बदला। I know कि तुम अपसेट हो। Can you please stop this nautanki? ये चेहरे पे चेहरा का जो खेल है ना, ये मीडिया के सामने कीजिए। मेरे सामने दोहरी जिंदगी जीनी है तो प्लीज गेट आउट ऑफ माई हाउस। नरेन, what's wrong with you? ये सब क्या बोलते चले जा रहे? बैग्स तो आपको भी पैक करने पड़ेंगे।
बाजी मुझे कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। अरे खड़े रहने की औकात नहीं है आपकी, सेठ जी की गद्दी क्या संभालेंगे आप? आज से देवसु और सेठ जी की गद्दी मेरी, बहुराव की। लेकिन अगर सेठ जी नहीं आए तो पूजा करवाएगा कौन? मैं कराऊंगा पूजा,